क्लास इलेवंथ हम लोग पहुँचेंगे। क्लास इलेवंथ में साइन एंड कोसाइन रूल पढ़ रहे हैं। देखिए बच्चों, ये कंपटीशन लेवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं साइन रूल। साइन रूल होता क्या है, आप जानते हैं, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एंगल ए बी सी है। ये जो स्मॉल कैपिटल वाले होते हैं वो एंगल होते हैं, और जो स्मॉल वाली होती हैं वो साइड होती है। ये ध्यान रखिए, एंगल ए के सामने साइड ए होगी, एंगल बी के सामने साइड बी होगी, और एंगल सी के सामने साइड सी होगी। तो साइन रूल कहता क्या है, साइन अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी बराबर कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को के से मैं दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं इसका कंपेयर इससे कराऊँ तो साइन ए बराबर क्या आ जाएगा, ए के आ जाएगा। इसी तरीके से इसका कंपेयर इससे कराऊँ तो साइन बी बराबर बी के आ जाएगा, और साइन सी बराबर सी के आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो साइन ए अपॉन के आ जाएगा, बी की वैल्यू निकालूँ तो साइन बी अपॉन के आ जाएगा, और साइन सी की वैल्यू निकालूँ साइन सी अपॉन के। अब बच्चों ये ध्यान रखिए, कहीं आपको साइन ए दिखे तो ए के रखिएगा, कहीं आपको स्मॉल ए दिखे तो साइन ए अपॉन के रखिएगा। ऐसे साइन बी दिखे तो बी के लिखिएगा, बी अगर दिखे तो साइन बी अपॉन के। जब जैसी मर्जी होगी वैसा हम लोग यूज़ कर लेंगे। या फिर साइन रूल को हम लोग इस रूल को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी बराबर ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। इसी तरीके से को साइन रूल है, तो को साइन रूल क्या है, कॉस ए का फार्मूला बनता है। क्या ए है तो ए को ए स्क्वायर को माइनस में रखिएगा, बी और सी को प्लस में रखिएगा, दोनों के स्क्वायर को, और अपॉन जो चीज़ें प्लस में हो उसको टू टू के साथ लगा दीजिएगा, टू बी इंटू सी। ऐसे ही कॉस बी है तो बी को स्मॉल बी को का स्क्वायर माइनस में रखिएगा, बाकी दो चीज़ें ए और सी का स्क्वायर प्लस में रखिएगा, अपॉन टू के साथ एसी लगा देना। ऐसे ही कॉस सी का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आप याद रखिए कि आप जानते हैं त्रिभुज की प्रॉपर्टी, जानते हैं त्रिभुज के तीनों एंगल का योग 180 होता है, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होता है। अगर कल को मैं ए प्लस बी की वैल्यू निकालूँ तो पाई माइनस सी आएगी, बी प्लस सी की वैल्यू निकालूँ तो पाई माइनस ए आ जाएगी, और ए प्लस सी की वैल्यू निकालूँ तो पाई माइनस बी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से हम लोग जानते हैं, अगर मैं सबकी जगह दो से डिवाइड कर दूँ, ए बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू, तो बराबर पाई बाई टू आ जाएगा। इसी तरीके से मैं ए प्लस बी बाई टू को एक साथ रखता हूँ तो पाई बाई टू माइनस सी बाई टू आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं बी प्लस सी बाई टू को एक साथ रखूँ तो ए बाई टू उधर चला जाएगा माइनस ए बाई टू, और इसी तरीके से ए प्लस सी बाई ए प्लस सी बाई टू को एक साथ रखूँ तो पाई बाई टू माइनस बी बाई टू आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये रूल्स हैं, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी बराबर आपको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लाना है। तो एलएचएस उठा जाए साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस सी। तो अभी मैंने बच्चों बताया बी प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस ए। तो बी प्लस सी की जगह मैंने पाई माइनस ए रखा। अब साइन बी माइनस सी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। बच्चों साइन बी, साइन रूल के हिसाब से साइन बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी के लिख सकते हैं। देखिए साइन बी की जगह मैंने बी के लिख दिया, साइन बी की जगह क्या लिख दिया, बी और बी के। इसी तरीके से कॉस सी का फार्मूला मैंने बताया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, माइनस कॉस बी का फार्मूला आपको मालूम है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी। देखिए सब फार्मूले आपके लिखे हैं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी के। इसी तरीके से साइन सब साइन रूल लिखा हुआ है, ठीक है, लगा दिया। इसी तरीके से साइन सी की जगह, देखिए साइन सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी के लिख सकते हैं। देखिए दिख रहा होगा, साइन सी की जगह सी के मैंने लिख दिया, ठीक, अपॉन ए के आपका ये आ गया। यहाँ से बी कैंसिल हो गया, सी से कैंसिल हो गया, ऊपर से के अपॉन टू ए कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पर टू ए टू के ए के, तो देखिए के से के कैंसिल हो गया, ये आपका टू ए नीचे आ जाएगा तो टू ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर, टू कॉमन ले लिया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, टू से टू कैंसिल हो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही आपको आर एच एस भी लेके आना था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी बराबर जीरो लेके आना है। तो बच्चों हमने अगले एल एच एस उठाया, ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी। ए की जगह मैं लिख सकता हूँ के साइन ए, बी की जगह लिख सकता हूँ के साइन, और सी की जगह के साइन सी, ठीक है बच्चों। बाकी चीजें आपकी ऐसे ही लिखी रही। अब देखिए पूरे में के कॉमन आ गया, के कॉमन ले लिया। अब देखिए ये बी और सी है तो इस ए को भी बी और सी में बनाने की कोशिश करिए। तो हम लोग जानते हैं ए की जगह अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो पाई माइनस बी प्लस सी उधर जाएगा, तो बी पाई माइनस ब्रैकेट में बी प्लस सी लिख सकते हैं ना। तो देखिए इसकी जगह मैंने पाई माइनस बी प्लस सी लिखा। इसी तरीके से बी की यहाँ पर सी और ए दिख रहा है इसलिए बी को मैंने पाई माइनस ए प्लस सी लिखा। इसी तरीके से यहाँ पर ए और बी दिख रहा है इसलिए सी को मैं पाई माइनस ए प्लस बी लिखूंगा, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन बी माइनस सी प्लस साइन ए प्लस सी आपका ये लिखा रहा, साइन सी माइनस ए लिखा रहा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन ए माइनस बी हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग ने फार्मूला पढ़ा है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल, साइन स्क्वायर सी से साइन स्क्वायर सी कैंसिल, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल। तो यहाँ पर आपका के इंटू जीरो मीन जीरो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी बराबर आपको क्या लिखे ना, जीरो लिखे है ना। तो बच्चों एल एच एस उठाया, ए क्यूब को के क्यूब साइन स्क्वायर लिख सकते हैं साइन बी माइनस सी, बी क्यूब को के क्यूब साइन क्यूब बी साइन सी माइनस ए, और इसी तरीके से सी क्यूब को के क्यूब साइन क्यूब सी साइन ए माइनस बी। देखिए ए बी सी की वैल्यू आपके पास रखी है, अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो साइन ए अपॉन के लिख दूं या के साइन ए कुछ भी लिख सकता हूं, ठीक है। कांस्टेंट को अपॉन में भी लिख सकते हैं इनटू में भी लिख सकते हो, ठीक है। के क्यूब सब में से आपका कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर साइन क्यूब ए को साइन स्क्वायर है इनटू साइन, तो साइन क्यूब ए को मैंने साइन स्क्वायर इंटू साइन है साइन बी माइनस सी लिखा रहा है, ये साइन क्यूब बी को साइन स्क्वायर बी इंटू साइन बी साइन सी माइनस सी लिख दिया, साइन क्यूब सी को साइन स्क्वायर सी इंटू साइन सी साइन ए माइनस बी लिख दिया, ठीक है। ये साइन स्क्वायर ये लिखा रहा है साइन ए, अब ये बी और सी है इसलिए साइन स्क्वायर साइन ए को मैं साइन पाई माइनस बी प्लस सी लिख सकता हूँ साइन बी माइनस सी, ऐसे साइन स्क्वायर बी ये लिखा रहा है साइन बी को मैं साइन पाई माइनस ए प्लस सी और साइन सी माइनस सी लिखा रहा, ऐसे साइन स्क्वायर सी लिखा रहा है साइन सी को साइन पाई माइनस ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी लिख सकता हूँ, ये साइन स्क्वायर ये लिखा रहा है साइन 180 माइनस टा साइन थीटा और साइन बी माइनस सी लिखा रहा साइन स्क्वायर बी ये लिखा रहा साइन 180 माइनस टा साइन थीटा लिख सकता हूँ और साइन सी माइनस ए लिखा रहा, इसी तरीके साइन स्क्वायर सी लिखा रहा साइन 180 माइनस टा साइन थीटा लिख सकता हूँ साइन ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। ये साइन स्क्वायर है आपका ये लिखा रहा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसी तरीके साइन स्क्वायर बी ये लिखा रहा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसी तरीके साइन स्क्वायर सी लिखा रहा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो बच्चों इसका जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे ये आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे ये आ जाएगा, सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, के क्यूब इंटू जीरो मीन्स ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं सोल्यूशन भी दे रहा हूँ और करने को भी दे रहा हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप करिएगा। देखिए एलएचएस का सबसे पहले फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, इसी तरीके सेकंड और थर्ड आपका सॉल्व होगा, तो इस क्वेश्चन को आप करिए अच्छे से करिए, जो ना समझ में आए वो आप हमसे पूछिएगा, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए आप, इसको आप अपने आप सेल्फ सॉल्व करेंगे, ठीक है, धन्यवाद।